सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रेडमी अपना एक नया स्मार्टफोन यहां पर इंडिया में लॉन्च करने वाली है उनकी बजट सीरीज की, जो कि अंडर 10,000 यहां पर आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो स्मार्टफोन है वो है रेडमी का नोट नाइन है। वैसे रेडमी का नोट नाइन आज यहां पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फाइनली देखते हैं 12 बजे क्या कुछ अपडेट्स यहां पर इन सभी स्मार्टफोन के ऊपर आती है। हम बात कर लेते हैं यहां पर रेडमी के नाइन के बारे में आई हुई कुछ अपडेट्स के बारे में। ऑफिशियली दोस्तों, कल यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो गीक बेंच पे लिस्ट हो चुका है, और इससे यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ जो अपडेट्स हैं वो यहां पर निकल करके आ चुके हैं। इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बेसिकली, और इस स्मार्टफोन के कुछ और डिजाइन के बारे में जो र्यूमर है वो भी निकल करके आए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं यहां पर इस स्मार्टफोन के बारे में। तो कल जो यहां पर स्मार्टफोन लीक हुआ है गीक बेंच पे, उससे एक चीज कंफर्म हो गई है जो कि पहले भी यहां पर कंफर्म हो चुकी थी, वो है यहां पर इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि रियलमी का C3 में आपको देखने के लिए मिला है। अब यहां पर जो रेडमी का नाइन होने वाला है और जो रियलमी का C3 होने वाला है, ये दोनों फोन एक दूसरे को सेम प्राइस रेंज में यहां पर काफी ज्यादा टक्कर देने वाले हैं। अब देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन काफी बेस्ट यहां पर निकल कर आता है। वैसे अगर बात करूं Redmi के 9 के बारे में कुछ और अपडेट्स की, तो बताया जा रहा है यहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिल सकता है। अब Redmi के 9 में बजट सीरीज में पंच होल, देखते हैं ये चीज 100% कंफर्म होकर यहां पर आती है या फिर नहीं आती है। वैसे पीछे की साइड तो कंफर्म है, प्लास्टिक का बैक आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो काफी कम होगी। फिंगरप्रिंट सेंसर Redmi के 8 में था, तो यहां पर 100% कंफर्म है। पीछे की साइड Redmi के 9 में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। बताया जा रहा है डुअल रियर कैमरा आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करता हूं, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस बताई जा रही है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। रियलमी की जो C3 की प्राइस है, सिमिलर उसी की प्राइसिंग पे ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो रियलमी C3 का जो बेस वेरियंट है, जिसमें आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, वो कुछ आपको 6,999 में यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है रेडमी के 9 में भी आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज के स्टार्टिंग वेरियंट से मिले, और ये वाला वेरियंट आपको यहां पर 6,999 रुपए में यहां पर देखने के लिए मिल जाए। अब इसका एक और वेरिएंट होगा जिसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं फाइनली जो सभी वेरिएंट्स हैं वो कितने यहां पर प्राइसिंग तक निकल करके आते हैं। वैसे आज यहां पर Redmi के नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स का लॉन्च इवेंट है, हो सकता है इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ और लीक्स हमें यहां पर, कुछ और जो कंफर्म न्यूज है वो उसके लॉन्च इवेंट से यहां पर देखने के लिए मिल जाए। अब वैसे दोस्तों, जैसे यहां पर Redmi के नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे दोपहर के 12 बजे, मैं जरूर से सभी कुछ आपको यहां पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, ये था कुछ वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा।